हिंदी क्लास में बहुत नींद आती है। मुझे तो सबसे अच्छी लगती है। तेरे पापा कहानियाँ जो लिखते हैं। ऐसे तो तेरे पापा डॉक्टर है, पर तू साइंस क्लास में भी सोता है। बोर हो जाता हूँ। अब तो बस सैटरडे का इंतजार है। क्यों? नोटिस बोर्ड नहीं देखा? हम लोग की क्लास ट्रैक पर जा रही है, चलेगा ना? पता नहीं क्यों, वो सैटरडे को मेरे नाना नानी आ रहे लखनऊ से, तो थोड़ा मुश्किल होगा। चल ना, ट्राई करता हूँ, मज़ा आएगा। मैं पक्का घर पे पूछ कर आता हूँ, अभी उनके टिकट वेटिंग पर है। शाम को फुटबॉल के लिए लेट मत होना। और ट्रैक पे चलेगा हाँ तू? क्या हुआ वंश? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, लिख रहा हूं। डिस्टर्ब मत करो। आप आज अच्छे लग रहे हो। क्या? वो मैं ये कह रहा था कि आप लाल रंग में अच्छे लगते हो। क्या चाहिए वंश? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, बहुत काम है, चलो अंदर जाओ। वंश, आज स्कूल में काम नहीं मिला क्या? चलो अंदर, पापा को डिस्टर्ब मत करो। आज पक्का पढ़ती हूँ। मम्मी। हम्म। आज बैगन की सब्जी अलग तरीके से बनाई थी। क्यों? बहुत अच्छी बनी थी। क्या आवाज नींद नहीं आई? मम्मी। हम्म। हम लोगों की क्लास ट्रैक पे जा रही है, पूरी क्लास, और मुझसे चलने के लिए भी कह रहे हैं। थर्सडे तक फीस भरने का समय है। अगली बार चलेगा ना? आप हर बार ही ऐसा बोलते हो। प्लीज। वंश, अभी हम लोग कहीं नहीं जा सकते। सारी क्लास जा रही है। तुम नहीं जा सकते अभी। क्यों? बस बोल दिया नहीं जा सकते, चलो सो जाओ। वंश, हम यहाँ सो रहे हैं लेकिन पापा क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। और पापा ने जो पिछली 3 किताबें लिखी हैं उनमें से एक भी नहीं छपी है, इसलिए बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है हमारे लिए। लेकिन ये वाली जो पापा लिख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी है, तुम देखना ये ज़रूर छपेगी। फिर तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाना। कल की बात तो कहती हूँ, हम सब चलेंगे घूमने। ये कब से सुन रहा हूँ? हाँ। और मना कर दिया। क्यों?
कितने क्वेश्चन पूछता है, बता कि ना मेरे नाना नानी आए, उनके टिकट कंफर्म हो गई। इतनी जल्दी थोड़ी ना और वो मुझे बाई चांस हो गई तो कभी नहीं चलता। इस बार नहीं चल सकता, हर बार कुछ ना कुछ होते रहता है, कभी तेरी मम्मी की तबीयत खराब और कभी तेरा पापा का बर्थडे। मैं बोर हो जाऊंगा। लगता तुझे चेन्नई नहीं है। अच्छा आज फुटबॉल कितने बजे खेल रहे हैं? आज से नहीं खेले। वंश, स्कूल कैसा था? अच्छा। जो सुनो, तुम्हारी मम्मी बिस्टा आंटी के यहाँ गई हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हम लोग 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है? खाना खा लेना, टेबल पे रखा है। भैया इसका कितना होगा? 1,000,000 बेटा, आपका सामान जितना था ना, तो मैंने दे दिया आपको, आप जाइए। लाइए, मेरे को देना। बहुत टाइम वेस्ट हो गया। लोगों से मिलना भी जरूरी होता। मैं मिल लेता हूँ अपनी कहानियों में। वंश, खाना खा। अरे सुनो, कल मैंने तुम्हें अपनी किताब दी थी ना पढ़ने के लिए। कहाँ है वो कागज? मुझे कुछ जरूरी काम करना था। मैंने तो यही टेबल पर रखे थे।
तो अभी कहाँ है वंश? यहाँ पे मैंने कुछ पेपर्स और मैगजीन्स रखे थे, देखे तुमने? पता नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। अंदर देखती हूँ, हो सकता अंदर हो। मिली? जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसी टेबल पर रखी थी। तो अभी कहाँ है वंश? कुछ था यहाँ? मैंने नहीं देखा, मैं तो पढ़ रहा था। पता नहीं कहाँ चली। पता नहीं, मेरी महीनों की मेहनत है उन कागजों में। तुम जानती हो ना मैं हाथ से लिखता हूँ। तो मिल जाएगी? नहीं मिली तो तुम लिखोगी क्या? पापा मैं ढूंढ दूंगा। तुमसे पूछा? सारी मेहनत ना बर्बाद हो जाए। देखिए मिल जाएगी। और जितनी भी मैंने पढ़ी है वो तो बहुत अच्छी लिखी है आपने। तो खो क्यों दी फिर? क्या हुआ? मैं पेट में बहुत दर्द हो रही, घर चले जाओ, लास्ट पीरियड है, प्लीज। क्लास में कोई अपेंडिक्स कह रहा था। अपेंडिक्स राइट साइड में होता है। पुराने कागज दिए थे ना, उसमें गलती से कुछ जरूरी कागज चले गए। तो वो मुझे वापस दे दीजिए। वापस नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि मैं वो आगे बेच चुका हूँ। किसको? पता नहीं भैया, बता दो। बेटा यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, मुझे क्या पता आपके कागज कौन ले गया, कहाँ ले गया। भैया प्लीज सोचो, नहीं तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता। आप जब तक मेरी मदद नहीं करोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। बेटा देख, बेटा मुझे सच में नहीं पता, बस इतना बता सकता हूँ दो दिन से मेरे वहां से लाल बाजार पर बहुत सारा कागज जा रहा है। अब आपके वो कागज कौन ले गया, कहाँ ले गया, मुझे नहीं पता।
मम्मी वो कल मैथ्स के एक्स्ट्रा क्लास है तो लेट हो जाऊंगा। आपने कोई नेपाल रद्दी वाले से संभाल लिया है? भैया आपने नेपाल रद्दी वाले से कोई संभाल लिया? भैया आपने दीपाल रद्दी वाले से कोई सामान खरीदा है? तुम्हें बहुत मिर्च है। क्या बात कर रही हो? मैंने उसे बोला था कोई मिर्च मत डालना। ये चटपटा है, मिर्च कहाँ है उसमें? आप तो आइसक्रीम के लिए लाए थे। जब भी देखो अपनी बात मनवाती हो, हैं? खाओ उसको, इतना हेल्दी चीज़, आइसक्रीम भी खिला दूँगा बाद में। क्या हो रहा है? वो सारे कागज मुझे दे दो। कौन से कागज? जो उनके पास हैं। क्यों?
वंश क्या कर रहे थे? कहाँ थी ये? वंश पापा कुछ पूछ रहे हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं वंश, कहाँ थी मेरी किताब? सॉरी मैं इतने टाइम से यहां टेंशन में मर रहा हूं, तुम्हारी मम्मी पर गुस्सा कर रहा हूं, पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं, और तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखा? मैंने तुमसे पूछा था ना, पूछा था मैंने, तुमने देखी है कहीं? ये देखो कितने सारे पेजेस मिसिंग है और कितने सारे पन्नों में पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसे अभी ठीक करो। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? बच्चा है वो। बच्चा है तो क्या झूठ बोलेगा? मुझे स्कूल ट्रैक में जाना था तो मैंने घर के पुराने कागज एक रद्दी वाले को दे दिए ताकि मैं अपनी ट्रैक फीस जमा कर दूं, और उसमें गलती से आपकी किताब चली गई। तुम्हें घर में पूछना चाहिए था। पूछा था वंश, मैंने तुमको समझाया था ना कि तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। समझाया था या नहीं समझाया था? मेरे अलावा सब लोग जा रहे थे, हर बार बस मैं ही नहीं जाता हूँ। कैसे मिली तुम्हें ये किताब? तभी मैं सोचूं इनसे प्याज टमाटर की बदबू क्यों आ रही है। चलो इस बात की खुशी है कि तुमने इतनी अकल तो लगाई। वंश, मैं तुम्हें ट्रैक पे तो नहीं भेज सकता, कल स्कूल के बाद घूमने चलोगे? वंश, तेरे नानी आ गए? वो नहीं आ रही। शाम को फुटबॉल के लिए आ जाना। आज तो तुम लोग ट्रैक पे जा रहे हो ना? मैं नहीं जा रहा। क्यों? यहाँ फुटबॉल खेलने में ही ज्यादा मजा है। कल सुबह आ जाऊं, आज के ही जाना है।
Thank you.